एक समय बायजूस का एडटेक क्षेत्र पर जबरदस्त वर्चस्व था। इनके चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने की चेष्टा मात्र करने वालों को भी खूब प्रताड़ित किया गया और उन्हें कुचलने का भी प्रयास किया गया। हमारे जैसे छोटे संस्थान भी सम्मिलित थे उसमें, परंतु पासा पलट चुका है और अब बायजूस के कर्म उसी के खबर लेने आए हैं। नमस्कार, ये है TFI और आइए अपने चक्षुओं से देखें बायजूस के कर्मकांडों का लेखा जोखा, जिसका हिसाब लेने स्वयं केंद्र सरकार मैदान में उतर आई है। एक अप्रत्याशित निर्णय में बायजूस के विरुद्ध केंद्र सरकार ने मोर्चा खोला है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा मांगे गए उनके बही खाता का निरीक्षण, उनके ऑडिटर और बोर्ड के सदस्यों का इस्तीफा और वित्तीय कठिनाइयों की श्रृंखला ने इस प्रमुख स्टार्टअप को मुश्किल में डाल दिया है। बायजूस का एक समय पे एडटेक क्षेत्र पे जबरदस्त वर्चस्व था। इनके चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने की चेष्टा मात्र करने वालों को भी खूब प्रताड़ित किया गया, जिसमें हमारा संस्थान भी सम्मिलित था। परंतु पासा पलट चुका है और अब बायजूस के कर्म उसी की खबर लेने आए हैं। बायजूस का वित्तीय संकट भी किसी से नहीं छुपा है। प्रवर्तन निदेशालय से लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR जैसे जांच एजेंसियां कंपनी पर पैनी नजर रखे हुई है। इसी भांति TFI में भी हमने अपना खुद का शोध किया और परिणाम इनके लिए बिल्कुल भी आशाजनक नहीं थे। बायजूस फिर स्कूल के उस विद्यार्थी की भांति व्यवहार करने लगा जिसे किसी ने चीटिंग करते धर लिया हो, वह भी फर्रे सहित। सह संस्थापिका दिव्या गोकुलनाथ ने लिंक्डइन पर अपने वित्तीय परिणामों की तुलना बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र से की। ब्लॉकबस्टर का उदाहरण तो वैसे भी एक ब्लॉकबस्टर ही संस्था देगी, नहीं? परंतु ये कॉमेडी यहीं पे खत्म नहीं हुई। दिव्या गोकुलनाथ ने अपने लंबे पोस्ट में बायजूस की वित्तीय स्थिति को लेकर सनसनीखेज सुर्खियों पर अफसोस जताया। उन्होंने दावा किया कि वित्त वर्ष 2021 से 2022 में कंपनी की वृद्धि और घटे घाटे को आसानी से नजरअंदाज किया गया। हम कथा को पुनर्निर्देशित करने के उनके प्रयास की सराहना करते हैं, परंतु पिछली चिंताओं को खारिज करने के बाद सनसनीखेजता के बारे में यानी सेंसेशनलिज्म के बारे में शिकायत करने वाले बायजूस की विडंबना को अनदेखा करना कठिन है। अपने डूबते नैया को पार लगाने हेतु बायजूस ने अपनी मार्केटिंग और परिचालन लागत को अनुकूलित करने का निर्णय लिया है। अनुवाद करें तो ये छटनी में जुट गए हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को कटौती का सामना करना पड़ेगा। परंतु डरिए मत, बायजूस का लक्ष्य नई साझेदारियों के माध्यम से विदेशों में ब्रांड अवेयरनेस पैदा करना है। यहां तक कि वे अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों को नियुक्त करने पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसे ही तो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है, जैसे सहारा, किंगफिशर्स और बायजूस। और ऐसा बायजूस से स्मरण हुआ, हंसल भाई इसी पे वेब सीरीज बना रहे हैं ना। डेलॉयट हास्किंस और सेल्स यानी उनके ऑडिटर और प्रभावशाली बोर्ड सदस्यों का इस्तीफा अगर पर्याप्त नहीं था तो बायजूस ने अपने ही देनदारों में से एक पर मुकदमा करने का निर्णय लिया। उनके इस दुस्साहस के लिए तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है। ऐसा लगता है कि बायजूस के बीच भरोसा उनके घाटे में कटौती की तुलना में तेजी से कम हो रहा है। जैसे जैसे सरकारी निरीक्षण और जांच आगे बढ़ रहे हैं, यह देखना बाकी है कि क्या बायजूस अपने जहाज को मोड़ सकता है और अपनी खोई हुई विश्वसनीय प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। परंतु जिस प्रकार की इनकी हरकतें हैं उसे देख इसकी आशा तो कम ही लगती है।